वही तो मेन है आपका, ये जिम्मेदार है किडनी ना। किडनी, अच्छा। हाँ, यूरिन बोले पानी पूरा सफाई नहीं कर पा रहा, आपका डस्ट जमा हो रहा है, तो किडनी क्या करता है, कोई भी चीज़ का छानता है, प्यूरिफिकेशन करके फिर देता है, तो वो छान नहीं पा रहा बढ़िया से, चलनी उसका खराब हो रहा है, तो हर घंटा आपको पानी पीना पीना है, तो किडनी फ्रेशनेस हो जाएगा। वैसे कि किडनी अगर बुरी व्यवस्था करेंगे, किडनी क्लीनिंग बोला भी व्यवस्था है मेरे पास, हम कर देंगे क्लीनिंग। क्या करना है उसमें? उसमें एक दो तरह का व्यवस्था देना पड़ता है, और उसमें जैसे राजमा हो गया तो राजमा लगाएंगे भी, और राजमा का एक जूस बनता है खिलाएंगे भी, खिलाएंगे भी एकदम किया जाएगा। हाँ, तो उस तरह का हर ट्रीटमेंट का अलग अलग जो है ना, उस तरह व्यवस्था देना पड़ेगा उसके लिए। वो उसके लिए क्या है कि सुबह में दो दो गिलास इन लोग को गर्म पानी पिलाना पड़ेगा, सब दो दो गिलास पीजिए, उसके बाद जाइए बाथरूम, ठीक है। सबसे पहले बॉडी क्लीनिंग होना चाहिए, जैसे पानी पी के आप जाते हैं तो आपका बॉडी जो है पूरा क्लीन करता है, अब हाँ आप उस तरह से करते जाएंगे शुरुआत से ही। अब जो है उसमें आपको हर मतलब 9 बजे रात में सो जाना पड़ेगा, पूरा मेडिकेटेड नींद लेना पड़ेगा ट्रीटमेंट का, ये प्राकृतिक चिकित्सा इसी पे निर्भर करता है, है ना। टोटल आपको मतलब कि अपने अनुरूप जो है ढालते जाएगा प्रकृति। आप 9, 9:30 बजे सोते हैं, निश्चित रूप से आपको देखिएगा 4:30 बजे नींद खुल जाएगा, अपने किसी को उठाने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको मान के चलना पड़ेगा तभी होगा। क्योंकि क्या है ना, अभी आदमी बीमार क्यों हो रहा है, दिनचर्या के कारण से। गुरु जी फिट क्यों है, क्योंकि इनका चाल, जब भी मैं देखता हूँ इनका चाल में तेजी है, मतलब चाल में तेजी से क्या होता है कि अंदर से एक ऊर्जा मिलता है, और वो ऊर्जा आदमी खो दे रहा है, सोच रहे जाना अभी जाएंगे आराम से धीरे धीरे जाएंगे, वो ऊर्जा अपने अंदर ये नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल आदमी का नॉर्मल हो रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एक चीज़ को आप 10 बार समझा रहे हो वो लेने को तैयार नहीं है, है ना। और एक बच्चा को आप 1 बार भी समझा दे रहे हो लेने के लिए तैयार है कि नहीं मैं कर लूँगा, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो किडनी देता है, किडनी जो है वो देता है। कोई किसी किसी को देखिएगा कि पूरा एकदम ये रहेगा, और वो किडनी उसको लिए जिम्मेदार है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप में रहना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, सबसे पहले मानना पड़ेगा स्वस्थ स्वस्थ। अगर ये चीज़ नहीं माने, बहुत लोग देखेंगे कि कहीं मिलेगा, अरे मैं बीमार हूँ, मेरा बुखार लगा हुआ है, मेरा ये लगा हुआ है, मेरा वो है वो है, मतलब वो खुद बीमारी को और बुला रहे हैं। आपका मन जो है ना, मन सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये जो मन है ना, मन बहुत बड़ा ऑर्गन है, मन को आदमी ये चलता है कि मन जो है बहुत बड़ा ऑर्गन है। मन आपका कहेगा कि अभी हम जाकर के वहां पे जाके खाना खाएंगे, तो मन ले जाएगा, ये मन ही है। अब मन नहीं चाहेंगे, ये उठेंगे सोएंगे, ये मन जो है ना एक बहुत बड़ा ये है, हाँ बहुत बड़ा फैक्टर है। मन को अगर समझा दिए तो सारा कुछ आपके हाथ में है, सारा कुछ सब हाथ में है। आप देखते होंगे एक रस्सी के सहारे एक बच्चा पेड़ पे चढ़ जाता है, पकड़ पकड़ के चाहे घूम घूम के। अब मानिए एक मामूली दूसरे बच्चा को चढ़ाइए, अब नहीं चढ़ेगा। अब उसका देखिए कि 2 साल का उसका मेहनत है, 2 साल या 3 साल का मेहनत है जो पेड़ पे चढ़ता है, है ना, एक रस्सी के सहारे चढ़ रहा है, तो उसका एक मन है। और उनका टीचर का भी योगदान है, जो कि उसका मन वो चीज़ में मन लगाया कि भाई आप तुम ये कर सकते हो, है ना। हनुमान जी तो बहुत अच्छा थे, वीर थे, लेकिन वो भी कोई बताने के बाद वो करते थे, अपने से वो नहीं करते थे। तो आदमी का मन जो है ना बहुत बड़ा चीज़ है, तो मन पहले मन कीजिए, बीमारी आपके हाथ में है। हाँ।